हेलो एवरीवन, कुकिंग विद पूजा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं राजमा चावल बनाऊंगी। इसके लिए हम राजमा लेंगे, इसमें हम उड़द की दाल और चना की दाल और मसूर की दाल को भिंगो देंगे और इसे 2-3 सीटी लगवा देंगे नमक हल्दी देके। अब हम धनिया पत्ती और प्याज को क्रश कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। इसमें जीरा, सूखी लाल मिर्ची, लौंग, इलायची और दालचीनी का टुकड़ा देंगे। अब हम प्याज डालेंगे और प्याज जब अच्छे से फ्राई हो जाए इसमें हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट को डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी और थोड़ी सी नमक डालेंगे, क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाल के उबाला है, और इसे भी अच्छे से भूंज लेंगे। फिर इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे और इसे भी अच्छे से भूंज लेंगे जब तक इसमें खुशबू ना आने लग जाए। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी देंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब इसमें हम कसूरी मेथी, 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे और इसे ढक के पकने के लिए देंगे। अब हम इसमें राजमा को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे राजमा को। अब इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे अच्छे से हम चला लेंगे और थोड़ी देर के लिए सीझने के लिए इसे ढक के पका लेंगे। अब ये हमारे राजमा बन के तैयार है। इसमें हम एक कटोरी मलाई डाल देंगे जो घर में हमने दूध पर से उतारी थी। मलाई डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसे सर्व करेंगे। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। और ये खाने में काफ़ी यमी है, एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई करें। और काफ़ी हेल्दी भी है ये और बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है। बना के ज़रूर इसकी कमेंट्स करें।